हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजना राव नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन, तो हाइपोटेंशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में हम इसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। तो लो ब्लड प्रेशर कितने तरह का होता है इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। नॉर्मल लोगों को पता रहता है कि उनका बीपी लो हो गया, ब्लड प्रेशर उनका लो हो गया या फिर ब्लड प्रेशर उनका हाई हो गया है, दो ही चीज़ें जानते हैं। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वो कितने तरह का होता है, अगर लो ब्लड प्रेशर है तो वो कितने तरह का होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर से सफर कर रहा है तो आखिर उसमें किस टाइप का लो ब्लड प्रेशर है, ताकि उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है उसका जो यूनिट होती है वो 120/80 होती है। इसमें दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक तो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अगर हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो जो 120 है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और यहीं पे जो 80 है इसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में लो ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, यहाँ पे जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 90 से कम होता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये 60 से कम होता है तो इसको हम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे जो अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो ये घटता बढ़ता रहता है। जो व्यक्ति की शारीरिक अवस्था होती है या फिर उसका जो खान पान होता है या फिर जो वातावरण है या फिर दिन के जो पहर होते हैं, जैसे सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है, तो उस हिसाब से भी ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता रहता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन अगर कंटिन्यू किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है या फिर लो आ रहा है, तब हम उसको टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे कि व्यक्ति को या तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर उसको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है। तो अगर हम लो ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली जो भी व्यक्ति होता है उसका रात में जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो रहता है, और जब वो सुबह मॉर्निंग में गेटअप होता है तो उस दौरान उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। तो ये तो नॉर्मल स्टेज में होता है। लेकिन अगर हम किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं और अगर हम 3 टाइम ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, जैसे एक ही दिन में हम 3 बार ब्लड प्रेशर ले रहे हैं हर 10 मिनट या 15 मिनट के अंतराल पे, उस दौरान उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ या फिर घटा हुआ आ रहा है तो उसी को हम एक्यूरेट मानते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ले रहे हैं और उसकी यूनिट ये आ रही है या फिर इससे भी कम आ रही है, तो जब फर्स्ट टाइम हम उसका ब्लड प्रेशर लेंगे अगर ये यूनिट आ रही है तो हम तुरंत ये नहीं कह सकते कि उसको लो ब्लड प्रेशर है। फिर हम 5 या 10 मिनट बाद फिर से उसका बीपी चेक करते हैं, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है। या तो फिर कुछ ऐसे लक्षण दिखते हों, लक्षण के आधार पर हम जानते हैं कि व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि व्यक्ति अवेयर रहता है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर में लोग अवॉइड कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, जबकि लो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा घातक होता है। तो ये जानना जरूरी है कि आपको किस टाइप का लो ब्लड प्रेशर की समस्या है। तो अगर हम इसके टाइप्स देखें तो फर्स्ट है इसमें आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे होता हाइपरटेंशन तो इसका मतलब हो जाता हाई ब्लड प्रेशर, और यहाँ पे क्या है हाइपो, किसी भी वर्ड के पहले अगर हाइपो शब्द लगा हुआ है इसका मतलब कि वहाँ पे लो की बात हो रही है, अगर हाइपर वर्ड लगा हुआ है इसका मतलब कि हाई की बात हो रही है। तो यहाँ पे हाइपो लगा है टेंशन के पहले, इसका मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लो ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप होता है इसको बोलते हैं आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, या फिर इसको बोलते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं, हाइपोटेंशन भी कहते हैं। तो इसको आर्थोस्टैटिक कहिए या फिर पोस्चुरल कहिए, एक ही बात होती है। इसमें क्या होता है, हम कैसे जानेंगे कि इस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो वो किस टाइप का है। तो अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो इसमें कुछ लक्षण होते हैं। क्या होते हैं, जब किसी भी व्यक्ति को रात में सोने के बाद जैसे ही व्यक्ति सुबह उठता है और जब वो बिस्तर छोड़ता है उस दौरान, जैसे वो बिस्तर छोड़ रहा है उस दौरान अगर उसको चक्कर आ रहे हैं, इसका मतलब कि उसको कैसा बीपी है, आर्थोस्टैटिक टाइप का लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, क्योंकि उस दौरान उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। इसके पहले मैंने अभी आपको बताया कि जब व्यक्ति रात में सोता है तो उस दौरान उसका ब्लड प्रेशर कम रहता है, लेकिन सुबह उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये नॉर्मल स्टेज में होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुबह जब सो के उठ रहा है उस दौरान उसको बिस्तर छोड़ने के दौरान चक्कर जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब उस दौरान उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है,
रहा है, तो अगर उस दौरान हम बात करें कि ये किस तरह का ब्लड प्रेशर है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जैसा है, मतलब कि आर्थोस्टैटिक लो ब्लड प्रेशर का टाइप है। ये देखा जाता है कॉमनली उन व्यक्तियों में जिनको डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, या फिर अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, या फिर कोई अगर लंबे समय से किसी भी लंबी बीमारी की दवा खा रहा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से बेड पे ही रेस्ट कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों में इस तरह का हाइपोटेंशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इसमें सेकेंड है पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, अब इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है, वो किस तरह का होता है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है पोस्ट प्रांडियल। जैसे हम ब्लड शुगर किसी व्यक्ति का चेक करते हैं, तो उसमें तीन तरह से हम ब्लड शुगर चेक करते हैं। एक तो जैसे होता है आरबीएस, आरबीएस का मतलब होता है रैंडमली रैंडम ब्लड शुगर, मतलब किसी भी समय हम उसका ब्लड शुगर चेक कर लेते हैं। एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग में क्या होता है कि अधिकतर ये हम सुबह करते हैं, क्योंकि सुबह व्यक्ति कुछ नहीं खाया रहता है, बिल्कुल खाली पेट रहता है, तो फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब होता है कि खाली पेट बिना कुछ खाए, यहाँ तक कि व्यक्ति ने पानी की एक ड्रॉप भी ना ली हो, उस दौरान जो हम ब्लड शुगर करते हैं उसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। और एक होता है पीपीबीएस, एक होता है पीपीबीएस जिसको बोलते हैं पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, मतलब कि खाना खाने के बाद या फिर जो भी वो ग्लूकोज ले रहा है, ग्लूकोज लेने के करेक्ट 2 घंटे बाद जो भी ब्लड शुगर हम करते हैं उसको बोलते हैं पीपीबीएस। तो वही चीज यहाँ पे भी है, पोस्ट प्रांडियल, पीपी का मतलब होता है पोस्ट प्रांडियल, इसका मतलब कि खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन। मतलब ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें खाना खाने के 2 घंटे के बाद व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। ये उन व्यक्तियों में देखने को मिलता है जिनको पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, या फिर ऐसे व्यक्तियों में जिनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, या फिर जो पार्किंसन डिजीज से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनमें इस तरह का लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, जो सेकेंड टाइप का है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रांडियल। तो ये कब देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा व्यक्ति के खाना खाने के 2 घंटे के बाद। अगर 2 घंटे के बाद किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो मिलता है, ऐसी कोई समस्या है उस व्यक्ति के साथ, तो फिर हम उसको बोलेंगे पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन। थर्ड है इसमें न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन इस तरह का जो बीपी होता है, जो न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन होता है, ये तब देखने को मिलता है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक खड़ा हुआ है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो किसी भी स्टेज में लंबे समय तक खड़े होकर कोई काम कर रहा है, और अगर उस दौरान उसका बीपी कम हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि उसको किस तरह का लो बीपी की समस्या है, उसको न्यूरली मेडिकेटेड हाइपोटेंशन जैसी समस्या है। ये जो थर्ड टाइप हम पढ़ रहे हैं इस तरह की समस्या है। तो ये क्या है, ये भी लो ब्लड प्रेशर ही है, लेकिन इसकी जो स्थिति है वो अलग है। व्यक्ति अगर खड़ा होकर कोई काम कर रहा है, उस दौरान अगर उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो उसको भी हम लो ब्लड प्रेशर ही बोलेंगे। इस तरह की लो ब्लड प्रेशर की जो समस्या होती है, ये अधिकतर जो यंगेस्ट होते हैं, एडल्ट एज के व्यक्ति होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। लंबे समय तक खड़े होकर काम कर रहे हैं, इस वजह से उनको ये समस्या हो जाती है। इसमें होता क्या है कि जो ब्रेन होता है और हार्ट होता है, इन दोनों के बीच मिसकम्युनिकेशन के कारण जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो होने लगता है। तो ये एक तरह का जो लो ब्लड प्रेशर है उसका एक टाइप है, जो हमको अधिकतर उन व्यक्तियों में देखने को मिलता है जो यंगेस्ट हैं, एडल्ट एज के हैं, और लंबे समय तक खड़े रह के करने वाला काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें फोर्थ टाइप है मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी विद आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं साइड्रेजन सिंड्रोम। साइड्रेजन सिंड्रोम, ये जो हम हाइपोटेंशन का फोर्थ टाइप पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी विद आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, या फिर इसको साइड्रेजन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत रेयर देखने को मिलता है। ये अधिकतर उन व्यक्तियों में देखने को मिलता है जिनका ब्लड प्रेशर सोते समय बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे व्यक्तियों में लो ब्लड प्रेशर में जो ये
फोर्थ टाइप है ये देखने को मिलता है। स्पेशली इसमें इन्वॉल्व होता है नर्वस सिस्टम, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम होता है वही हमारे शरीर के जितने भी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करके रखता है। लेकिन जब इस तरह का हाइपोटेंशन होता है तो उसमें सभी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, इसलिए नर्वस सिस्टम स्पेशली इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि वो पूरे शरीर पे कमांड करता है, जो भी हमारे मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो जब नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होगा तो जो भी व्यक्ति के इन्वॉल्ट्री मूवमेंट्स होते हैं, जैसे व्यक्ति का हार्ट रेट होता है, उसकी पल्स रेट होती है, ब्लड प्रेशर होता है, या फिर उसका डाइजेस्टन का पैटर्न होता है, तो ये सभी प्रभावित होते हैं। इस वजह से जो ये ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है, ये ज्यादा घातक होता है। जो हाइपोटेंशन की समस्या होती है या लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है वो चार तरह की होती है। अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशन होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताई। अगर हम आर्थोस्टैटिक की बात करें तो ये कब होता है, ये व्यक्ति जब सुबह सो के उठता है, अगर उस दौरान उसको चक्कर आ रहे हैं और उसका ब्लड प्रेशर कम है, तो इसका मतलब कि उसको लो ब्लड प्रेशर में जो आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है इस तरह का, ये अधिकतर जो एडल्ट एज के व्यक्ति रहते हैं उनमें देखने को मिलता है। वहीं पे जो पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन है, ये क्या है, ये खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसको हम पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन के श्रेणी में रखते हैं। ये अधिकतर जो ओल्ड एज के व्यक्ति होते हैं उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, न्यूली मेडिकेटेड हाइपोटेंशन, तो इसके बारे में बात की थी कि ये कब देखने को मिलता है। कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक खड़ा रहता है और उस दौरान उसका ब्लड प्रेशर अगर कम हो रहा है तो फिर हम उसको बोलते हैं न्यूली मेडिएटेड हाइपोटेंशन। और फोर्थ के बारे में अभी हमने बात की कि ये बहुत ही रेयर होता है, किसी किसी में देखने को मिलता है, और ये उन्हीं में देखने को मिलता है जिनका ब्लड प्रेशर रात में सोते समय बढ़ा हुआ हो। तो ऐसे व्यक्तियों में अगर ब्लड प्रेशर लो आ रहा है तो उसको हम इसमें फोर्थ वाले टाइप्स में रखते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का अगर ब्लड प्रेशर लो आ रहा है, सामान्य से कम आ रहा है, तो ये बहुत ही घातक होता है। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि व्यक्ति को पता रहता है, तो वो हर समय क्या होता है, हर 10 दिन पे 15 दिन पे वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाता रहता है, क्योंकि वो हमेशा अपने बीपी को हमेशा लो रखने की कोशिश करता है। लेकिन जिसका ब्लड प्रेशर लो होता है उसके जो लक्षण दिखते हैं व्यक्ति उसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि लो ब्लड प्रेशर से ज्यादा समस्या नहीं होती। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर से ज्यादा खतरनाक होता है लो ब्लड प्रेशर। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि अगर लो ब्लड प्रेशर है तो उसमें किस टाइप का ब्लड प्रेशर है, ताकि उसी के हिसाब से उसको ट्रीट किया जा सके। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप इसके हिसाब से पता कर सकते हैं कि आपको लो ब्लड प्रेशर में किस टाइप का लो ब्लड प्रेशर है। अब अगर हम इसके लक्षण की बात करें कि अगर लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।